आज हम मौजूद हैं शाही किले में, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये जगह रानी जिंद कौर की हवेली कहलाती है। इसको अब एक आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको प्रिंसेस बम्बा की कलेक्शन, प्रिंसेस बम्बा की गैलरी कहा जाता है। आइए देखते हैं अंदर कौन कौन सी ऐसी नायाब पेंटिंग्स हैं और इसकी कैसे रेस्टोरेशन हुई हैं, आपको दिखाते हैं। आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको ये एक लाइफ साइज दिलीप सिंह की पेंटिंग नज़र आएगी, और ये पेंटिंग ऑगस्ट श्रॉफ ने बनवाई थी और ये सारी कलेक्शन उन्हीं की है। इससे बाद आगे आप जाएं तो ये है शहज़ादी बम्बा। शहज़ादी बम्बा सदरलैंड इनका नाम था और इन्हीं के नाम से ये सारी गैलरी मशहूर है। इस मॉडल की तरफ भी देखें तो ये भी बड़े ही नायाब किस्म का मॉडल है। ये सिल्वर में है और ये दिखाया है कि एक थ्रोन बना हुआ है पूरा नीचे, जिसके ऊपर एक अलहदा फ्लोर है और उस पर रंजीत सिंह अपने हाथी पे सवार है। बहुत नायाब चीज़ है ये भी। इधर आते हैं तो ये दिलीप सिंह की एक और बहुत खूबसूरत पेंटिंग, और आप अगर इसकी डिटेल देखें तो पता लग रहा है कि ये दोबारा इसको प्रॉपर अच्छे से रेनोवेट किया गया। ये भी ऑगस्ट श्रॉफ की पेंटिंग्स है। ये दिलीप सिंह के बचपने की तस्वीर है। ये एक मिनिएचर है, इसमें दिखाया है कि दिलीप सिंह बैठे हुए हैं अपने अटेंडेंट्स के साथ। यहाँ से आगे आते हैं, ये भी एक बहुत हसीन किस्म की पेंटिंग है। ये दिलीप सिंह की उनकी जवानी की पेंटिंग होगी, और इसका फ्रेम, इसका सारा आर्ट वर्क बड़ी रॉयल सी फील है इसके अंदर। ये मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, ये उनकी वाहिद पोर्ट्रेट कहा जाता है। इस साइड पे आप आएँ तो ये भी एक बहुत नायाब किस्म की पेंटिंग है। ये शेर सिंह है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह मलबूस हैं सारे हारों में, और सारे जितने भी ऑर्नामेंट्स इनके हैं, उनकी तलवार देखें आप। ये इनकी बड़ी मशहूर पेंटिंग है, आप अभी भी कभी सर्च करें शेर सिंह को तो आपको हमेशा इनकी ये पिक्चर नज़र आएगी वहाँ। ये महाराजा रंजीत सिंह का काउंसिल है, इसमें आप देख सकते हैं ये रंजीत सिंह साहब बैठे हैं, ये उनके कुछ अटेंडेंट्स हैं। इनका जो दरबार था उसमें सारे मजहबी स्कॉलर, सारे मजहबी लोग इनवाइटेड थे, और कोई उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं था। ये बहुत कहा जाता है रंजीत सिंह के कोर्ट के बारे में। बनारस का है ये मेन, उसका जो बनारस घाट जिसको कहते हैं वाराणसी, ये उसकी पेंटिंग्स हैं। ये है पेंटिंग हिज हाइनेस प्रिंस दिलीप सिंह। अच्छा, ये फ्रेडरिक दिलीप सिंह हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह के पोते थे और ये दिलीप सिंह के बेटे थे। ये एक बड़ा प्यारा मिनिएचर है खड़क सिंह का, इट इज़ वेरी स्मॉल। एक ये इतना खूबसूरत आर्ट पीस पड़ा हुआ है, ये संगे मरमर के हाथ कहा जाता है। ये रानी जिंदा के हाथ की नकल है। रानी जिंदा महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी, और ये बड़ा खूबसूरत, बड़ी प्यारी कार्ड हुई हुई पूरी, एक हाथों की एक नकल है उसमें, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये एक प्लास्टर कास्ट है, और ये भी दिलीप सिंह का है। आप देख सकते हैं उस टाइम उनकी उम्र 18 साल की उम्र के वक्त ये बनवाया गया था। ये देखें, ये एक महाराजा रंजीत सिंह की एक पेंटिंग है, जो कि गोल्डन टेंपल पे अमृतसर पे बैठे हुए हैं, और पूरा पीछे आप देखें पूरा अमृतसर का गोल्डन टेंपल नज़र आ रहा है, वो पॉन्ड नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस शाह बानो लाहौर फोर्ट म्यूज़ियम की क्यूरेटर हैं। मिस शाह बानो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइए इस सारी कलेक्शन के बारे में और इसकी रेनोवेशन के बारे में।
फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लाहौर फोर्ट म्यूजियम गैलरी, और उसमें जिस गैलरी को आप कवर कर रहे हैं इसका नाम है प्रिंसेस बम्बा कलेक्शन. सो हु वाज प्रिंसेस बम्बा? शी वाज ग्रैंड डॉटर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, और वो बेटी थी महाराजा दिलीप सिंह की, जो कि इंग्लैंड से पाकिस्तान आई, लाहौर में सेटल हुई. और जब उनकी डेथ हुई तो जो उनकी कलेक्शन है पेंटिंग्स के ऊपर मुश्तमिल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्वायर की, और इस वक्त डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको डिस्प्ले किया है. मिशेबानो, प्लीज़ इस लाइफ साइज पेंटिंग के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, कितना बनाया गया होगा और इसकी रेनोवेशन वगैरह किस तरह हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. जी ज़रूर. ऐसा है कि इस जो इतनी बड़ी पेंटिंग है, बहुत बड़े स्केल पे पेंट की गई है, इसका नाम है कोर्ट ऑफ लाहौर. और जो कोर्ट ऑफ लाहौर पेंटिंग है, ये पेंटिंग एक हंगेरियन आर्टिस्ट थे ऑगस्ट थ्योडोर शोफे, जो 1841 के अराउंड उस वक्त का जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट था यहाँ पे आए थे, और उन्होंने महाराजा शेर सिंह जो हैं, ही वॉज कमीशन बाय महाराजा शेर सिंह, और इन्होंने स्केचेस बनाए, और फिर उसके बाद ये यूरोप ले गए सारे स्केचेस, इन्होंने पेंटिंग्स उनको पेंट किया, और फिर लेटर ऑन महाराजा दिलीप सिंह से होती होती प्रिंसेस बम्बा, और फाइनली अब ये हमारी कलेक्शन का हिस्सा है. मिशेबानो, एक और चीज़ बताइए इस गैलरी के हवाले से, ये इतनी पब्लिक नहीं है, हमने बहुत कम इसके बारे में पिक्चर्स देखी हैं, बहुत कम वीडियोस देखी हैं, ये क्या वजह है? इज़ इट अ प्राइवेट प्लेस? नो, इट्स नॉट अ प्राइवेट प्लेस, और मैं टोटली डिसएग्री करूँगी कि यहाँ पे पब्लिक नहीं आती है. यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है, विजिटर्स जो जनरल पब्लिक है वो भी विजिट करती है. इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आर्ट हिस्टोरियंस हैं, जो लोग पेंटिंग से शगफ रखते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं, विज़िट करते हैं. और फिर आपको पता है कि हम लोग जैसे रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, और सिख कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट किया जा रहा है टूरिज़म के उसमें, तो यहाँ पे जब भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये गैलरी जो है वो फिर विज़िटर से भर जाती है, और फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है विज़िट करना, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो एक कैपिंग रखी हुई है कि यहाँ पर कितने विज़िटर एट अ टाइम एंटर हो सकते हैं. तो इसलिए अभी यहाँ पे विजिटर आपको कम नजर आएंगे, लेकिन जब आप गैलरी से बाहर निकलेंगे तो बहुत से लोग अपनी बारी के इंतजार में हैं. अगर आप एक और चीज देखें तो आपको इस पेंटिंग में बादशाह मस्जिद के मीनार भी नजर आएंगे, वो दूर से आप देखें तो वो आपको दो मीनार नजर आ रहे हैं. ये बिल्कुल शीश महल के बाहर का एरिया है जिसको अटदरा कहा जाता है, और ये उसके बाहर पूरा रंजीत सिंह का कोर्ट लगा हुआ है. यहाँ पे आप देखें तो आपको इस पेंटिंग का ब्रेकअप नज़र आएगा. इसमें उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को लिया है और उसमें बताया है कि इसमें कौन कौन सी शख्सियत मौजूद हैं, जैसे कि दिखाया है कि सिख दरबार है, भाई मियां सिंह हैं, मुंशी हैं इसमें. फिर आप आगे चलें तो इसमें जो फॉरनर्स हैं, जेएफ अलॉट साहब हैं, मेहान सिंह, फ़कीर उद्दीन हैं, और आगे चलें तो आपको मीका सिंह नज़र आएंगे इसमें, भाई गुरमुख सिंह हैं. इसके बाद आप और इस पार्ट में देखेंगे तो आपको सुल्तान मोहम्मद ख़ान साहब नज़र आएंगे, अली ख़ान है इसके अंदर, इब्राहिम ख़ान है, और इस जगह पे आप आएंगे तो ये आपको बड़ी नामवर सी एक इसमें शख्सियत मौजूद होगी जिन्होंने एक स्काफ सा लिया हुआ है हेड पे, ये फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब हैं, और जिस तरह आप जानते हैं फ़कीर खाना म्यूज़ियम, ये उन्हीं की आगे नस्ल है. इसमें आपको दीनानाथ भी नज़र आएंगे. फिर इसमें नौनिहाल सिंह हैं, खड़क सिंह हैं, गुलाब सिंह हैं, पूरी उनकी अपनी फैमिली भी सारी मौजूद है, और पूरा एक एक कोर्ट है जो कि आप देखें तो शीश महल है, उसके बिल्कुल बाहर इनका एक कोर्ट लगता था जो कि ख़ास रंजीत सिंह ने अपने लिए बनवाया था. बहुत ही लाइफ साइज पेंटिंग है, आई थिंक जितना पेंटर को इसमें अप्रिशिएट किया जाए कम होगा.